आदित्य वैभव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे पटना से जुड़े हैं। आदित्य, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे और बागेश्वर धाम भी सजा रहे, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल नेहा, जहाँ तक बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर या विधि व्यवस्था के संधारण की, तो बिहार सरकार और पटना पुलिस ने स्पेसिफिकली अरेंजमेंट्स किए हैं तरेतपाली गांव में और उस मठ के आसपास जहाँ ये पूरा प्रोग्राम होना है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में और तस्वीरों में कि यहाँ किस तरह से भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ अब से सुबह से ही जमा होना शुरू हो चुकी है। हालांकि आपको बताते चले कि जो हनुमंत कथा का प्रोग्राम है वो अब से कुछ घंटों बाद होना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो उत्साह और चेष्टा ये श्रद्धालु कर रहे हैं, ये लोग अभी से ही यहाँ जुट रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालु अब से जमा होने लगे हैं और जयकारे भी लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ चूंकि बहुत बड़ी भीड़ जमा है तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपने इंतजाम भी किए हैं। हालांकि जो इंतजाम है वो 10 बजे के बाद यहाँ पे लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि भीड़ खुद को अपने आप से काबू करके रखी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो संधारण की व्यवस्था की गई है उसके लिए कई तरह के बैरिकेडिंग्स और चीज़ें लगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ CCTV का भी अरेंजमेंट है, तो जो प्रिलिमिनरी इंतजाम किए जा सकते हैं वो किए गए हैं। देखना ये होगा कि सब कुछ सुचारू तरीके से हो जाए। नेहा, पीछे की तस्वीरें दिखाइए आदित्य, और आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार पर बिहार में जबरदस्त सियासत भी हो रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को न्योता भेजा गया था लेकिन वो नहीं गए। उधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह कहकर बीजेपी पर निशाना साधा कि बीजेपी भगवान राम से धीरेन्द्र शास्त्री पर आकर टिक गई। एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है हम काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं, और आप लोग तो जानते ही हैं कि कितना निमंत्रण हम लोगों के आता रहता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। अब तो भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए बीजेपी किसका फोटो लगाती है, मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही उन दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए, पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे, ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि अब राम जी पर भरोसा। आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया। अब आपको तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसका ना फोटो लगाना चाहिए। राम जी के नाम पर वोट मांगिए, अब शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं।